चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ब्लड कैंसर के बारे में जानेंगे कि आखिर ब्लड कैंसर क्या है। देखो, ब्लड कैंसर की पूरी जानकारी हासिल करेंगे और ऐसी जानकारी आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाली है। आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ब्लड कैंसर क्या है, किन किन कारणों से होता है, कैसे ये एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसके आसान से आसान घरेलू इलाज क्या है, मतलब पूरी जानकारी ब्लड कैंसर का हम लोग जानेंगे। कई लोगों का आप नाम सुनेंगे कि उनको ब्लड कैंसर हो चुकी है। देखो, ब्लड कैंसर होने का मतलब होगा कि आपका शरीर धीरे धीरे पतला हो जाएगा, आपका शरीर में खून की कमी हो जाएगा। मैंने आंखों से ब्लड कैंसर से मरते हुए लोगों को देखा है। और ज्यादातर ब्लड जो कैंसर होती है वो शारीरिक रिलेशनशिप बनाने के कारण होती है। शारीरिक मतलब आप समझ सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे ब्लड कैंसर का। देखो, ब्लड कैंसर, इसको हम लोग इंग्लिश में ब्लड कैंसर कहते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर का हिंदी क्या होगा? ल्यूकेमिया हो गया। देखो, ब्लड में कैंसर हो जाना ही ब्लड कैंसर कहलाती है, यानी आपके खून में कैंसर हो जाना। ये कैंसर कब होता है वो पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। देखिए, ब्लड कैंसर पहले होता क्या? देखो, ब्लड कैंसर जब भी होता है तो पहले आपके बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, जो हड्डियां है, जो रीढ़ की हड्डियां है, उनमें होता है। उनके बाद ये रक्त में प्रवाहित होना चालू हो जाता है। ब्लड कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण था WBC। हमारे शरीर में WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को ब्लड कैंसर क्या करता है, पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, जिसके कारण सब बीमारियों से लड़ नहीं पाते हैं। देखो, ब्लड कैंसर सेल ये बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में क्या होगा, WBC की मात्रा, WBC की मात्रा। देखो, रक्त तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना बाबू। रक्त कितने प्रकार के? तीन प्रकार के हो गए आपका, RBC, WBC और तीसरा का होगा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो प्लेटलेट क्या, समझो, RBC का मतलब हो गया कि रेड ब्लड सेल, हमारे शरीर में जो खून बहता है। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम करता है। जो लड़ता है उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। और प्लेटलेट जो होता है, जब भी कहीं कटता है, जब भी हमारा कहीं अंग कट जाता है, तो ये फटाके आके रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो हम लोग के शरीर में क्या होता है कि अचानक WBC की मात्रा बढ़ जाती है। जब अचानक WBC की मात्राएं बढ़ जाएंगी तो उसी के कारण हमारे में क्या हो जाता बाबू, उसी कारण समय सही हो जाता है ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। देखो, ब्लड कैंसर WBC की मात्राएं बढ़ जाने के कारण से ही होती है, WBC की मात्रा के कारण ही होती है। ये WBC की मात्राएं क्या होती है, मतलब WBC जो होता है ये बहुत कम हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं, आखिर ये कैसे होता है ब्लड कैंसर। ब्लडों का सड़ जाना, खून का सड़ जाना ही ब्लड कैंसर होता है। देखो, मैंने बता दिया कि ब्लड कैंसर बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में WBC की मात्रा बढ़ जाएगी तब जाकर ये होगा। कैसे, मान लीजिए आपका अस्थि मज्जा है, यानी बोन मैरो ने हड्डी वाला जो मार्ग है, ठीक ना, इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपका WBC यहां पर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा, ठीक है ना। मान लिया यहां पर क्या हो गया, WBC की मात्रा यहां इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब सोचिए, आपकी हड्डियों में जब WBC की मात्रा बढ़ जाएगी तो इधर वाला रक्त इधर रह जाएगा और इधर वाला रक्त इधर हो जाएगा। तो किसी भी चीज का एक जगह ठहरना मतलब उसका खत्म होना, उसका सड़ना चालू हो जाता है। तो सोचिए, यहां का रक्त इधर नहीं आ सकता, इधर का खून इधर नहीं आ सकता है, तो रक्त यहां पर क्या होता है, सड़ने लगता है, जिसको कैंसर कहते हैं। ये कैंसर हो जाता है। तो ये WBC की जब मात्राएं बढ़ती है तभी जाकर ब्लड सड़ता है, जिसको ब्लड कैंसर हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो बोन मैरो हमारी हड्डियों में सबसे पहले जो कैंसर, ये ब्लड कैंसर होता है, ये हमारे बोन मैरो हड्डियों में नहीं अस्थि मज्जा में ही होता है, और वहां से जाकर रक्त में बहना चालू हो जाता है, जिसके कारण से हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसको हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी WBC कमजोर हो जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं कमजोर हो जाती है, जब बीमारियों से नहीं लड़ पाता है, ब्लड कैंसर, ये कैंसर जो होता है ना, ब्लड वाला जो कैंसर होता है, ये WBC की मात्रा को पूरी कमजोर करता है, यानी इसकी मात्राएं बढ़ जाती है, ठीक है, समझ में आ रही है। ये अगर बोन मैरो है और यहाँ पर आपका ये पूरा WBC की मात्राएं है, इस मार्ग को बंद कर दिया, तो इधर का रक्त ज्यों का तो उधर रह जाएगा, और रक्त का रुकना वो मतलब सड़ना हो गया, तो वो क्या हो गया, कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं, बोन मैरो में होता है, और ये किन कारणों से, WBC व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाने के कारण से होता है। अब समझते हैं आखिर इनके और क्या कारण हो सकते हैं WBC मात्रा के अलावा। देखो, जो ब्लड कैंसर होता है ये तो आपको मतलब एक तरीका बता देंगे कैसे होता है हमारे शरीर में। तो बोन मैरो में WBC की मात्रा बढ़ेंगी, यानी अस्थि मज्जा में जब WBC मात्रा बढ़ेगा तभी जाकर हमें ब्लड कैंसर होता है। अब कारण देखते हैं, कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनके कारण से आपको ब्लड कैंसर होते हैं। पहला, पारिवारिक इतिहास। अब आप सोचेंगे पारिवारिक इतिहास क्या भैया, पारिवारिक इतिहास का मतलब हो सकता है आपके परिवार में किसी पूर्वज को, किसी दादा परदादा छेड़दादा को आपको ब्लड कैंसर हुआ होगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको वजह, इसको अनुवंशिक कहते हैं, अनुवंशिकी जेनेटिक्स भी होता है ब्लड कैंसर। अगर आपके दादा को है तो हो सकता है आपको भी हो सकता है, हो सकता है अगर आपके दादा को तो आपके पापा को भी हो सकता है। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इसी को जेनेटिक्स या अनुवंशिकी कहते हैं। तो मतलब ब्लड कैंसर भी एक अनुवंशिकी होता है, पारिवारिक इतिहास में देखिए जाकर कि अगर किसी को ब्लड कैंसर हुआ तो संभावना होती है कि आपको भी हो सकती है। दूसरा कारण, तो धूम्रपान करने से।
धूम्रपान का मतलब नशा अगर ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो उसके कारण से ब्लड कैंसर हो जाते हैं। तीसरा का विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से, विकिरण मतलब देखिए मान लीजिए कहीं रेडियो 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 मान लीजिए कहीं बॉक्स उक्स बज रहा है, कहीं बड़का डीजे बज रहा है और वहां पर ज्यादा मात्रा में अगर आप विकिरण का मतलब उसके संपर्क में आते हैं, जैसे किसी कोई कोई क्या होता है बार बार हेडफोन लगा लेता है, हमेशा हेडफोन लगा लेता है, हमेशा बड़का बड़का ब्लूटूथ लगा लेता है, तो उस कंडीशन में वो ब्लड कैंसर से संक्रमित हो सकता है, ठीक है ना। तो विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क जहां बड़ा बड़ा डीजे साउंड बज रहा है वहां पर ज्यादा मात्रा में रहते हैं, अगर वहां पर ज्यादा मात्रा में संपर्क में आते हैं तो आपको ब्लड कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा अगर कोई कारण है ब्लड कैंसर होने का तो वो है सेक्स, जिससे आप भली भांति परिचित है। देखो ब्लड कैंसर जो होता है ये संपर्क में सटने से बैठने से नहीं आता है, ब्लड कैंसर तब होता है जब खूनों का आदान प्रदान होता है, जब कोई मेल या फीमेल जब गर्ल्स या बॉय क्या करते हैं शारीरिक रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहां पर उनके कुछ ऐसे ऑर्गन्स कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनका आदान प्रदान होता है। जैसे पुरुषों का जो शुक्राणु होता है वो फीमेल्स के बॉडी में चला जाता है, अगर पुरुष के अंदर क्योंकि शुक्राणु के अंदर डीएनए भी होता है, देखिएगा अगर पुरुष के अंदर ब्लड कैंसर है तो उस महिला के अंदर भी ब्लड कैंसर होगा। कुछ महिलाएं क्या सारी महिलाएं जो होती है सेक्स के उपरांत कुछ चिकना चिकना पदार्थ छोड़ती है बाहर अंदर से, जिसके कारण से अगर उनके अंदर भी ब्लड कैंसर है तो ये मेल के अंदर भी हो सकता है। तो सेक्स सबसे बड़ा कारण हो जाता है क्या ब्लड कैंसर का। और सेक्स में भी अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा संक्रमित अगर पुरुष और महिला है तो बैक रिलेशनशिप से यानी बैक सेक्स के कारण से, क्योंकि बैक सेक्स के कारण से बैक में बहुत सारे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो आपके लिंग को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो पुरुष अगर शुक्राणु छोड़ता है तो पुरुष शुक्राणु छोड़ने के कारण से फीमेल ग्रसित हो जाएगा, अगर फीमेल ग्रसित है तो सेक्स करने के कारण से पुरुष भी क्या हो जाएगा ग्रसित हो जाता है। तो सेक्स जो होता है सुरक्षित अगर सेक्स करते हैं तो आपको ब्लड कैंसर नहीं होगा। इसी कारण से आप डॉक्टरों से सलाह ले, बहुत सारे यूज करने वाला चीज आता है उसका यूज करके आप सेक्स कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ब्लड कैंसर आजकल ज्यादा मात्रा में ये सेक्स के कारण ही फैल रहा है। और उसके बाद सबसे अंतिम आपका कारण रक्त आदान प्रदान करने से, अगर मान लीजिए किसी का रक्त लेकर अपने बॉडी में हम मतलब बॉडी में डाल दें तो भैया पहले जांच करवाओ कि वो रक्त में किसी भी कोई बीमारी तो नहीं है, उस रक्त के अंदर कोई कैंसर तो नहीं है, क्या वो रक्त आपके लायक है, उसके बाद ही आप खूनों का आदान प्रदान करें, ठीक है ना। तो ये चार पांच ऐसे कारण थे जिसके माध्यम से आपको ब्लड कैंसर हो जाते हैं। अब समझते हैं ब्लड कैंसर अगर हमको हो गई है तो कैसे पहचानेंगे कि भैया आपको ब्लड कैंसर हो गया, इसके कुछ लक्षण इसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं। देखिए सबसे पहला लक्षण है बार बार आपके शरीर में इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा, मान लीजिए आज हुआ फिर कल ठीक होगा फिर भी यानी इन्फेक्शन है, एक ही बीमारी बार बार यानी इन्फेक्शन बार बार होना ब्लड कैंसर का शुरुआती लक्षण है। उसके बाद थकान महसूस होना यानी थोड़ा सा भी काम करने पर ज़्यादातर थकान महसूस होगा, पूरा थकान महसूस होगा, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से ब्लड जाँच करवा लेनी चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं है। त्वचा पर नीला और पीला रंग पड़ना और साथ में खरोच आना, मतलब थोड़ा सा भी खोंचेंगे तो खरोच आ जाएगा, त्वचा आपका पीला पड़ जाएगा, त्वचा आपका नीला रंग का हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ब्लड कैंसर के चांसेस होते हैं। अचानक वजन घटना, देखो ब्लड कैंसर क्या होता है शरीर को इतना ना पतला कर देता है, मैंने देखा है कि एक बच्चा बहुत लंबा मोटा था लेकिन जब उसको ब्लड कैंसर हुआ तो मात्र कुछ महीनों ने एक से डेढ़ महीने के अंदर उसका शरीर सब बच्चा जैसा हो गया, गोल के बच्चा जैसा हो गया था, ठीक है ना। तो ब्लड कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होता है, यहां अचानक शरीर की लंबाई चौड़ाई मोटाई सब घटने लगता है, वजन भी घटने लगता है और साथ में खून की कमी भी हो जाती है। कैसे, ये खून की कमी भी होती है यानी खून की कमी इसलिए होती है क्योंकि WBC क्या करता है घेर लेता है और उसके बाद क्या होता है खून को आदान प्रदान आने जाने से रोक लेता है, जिसके कारण से खून की कमी होना चालू हो जाती है और साथ में खून बहना। क्या होता है कि जब हम लोग का शरीर में क्या होता है अगर कहीं कट गया कोई अंग कट गया तो वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है, कुछ मिनट बाद अगर दबले रहेंगे कुछ मिनट बाद छोड़ेंगे तो खून बंद हो जाता है क्योंकि वहां रक्त का थक्का बन जाता है, प्लेटलेट चला आता है। लेकिन जब ब्लड कैंसर होता है तो ससुरा क्या करता है ब्लड कैंसर ये प्लेटलेट को भी अपने कब्जे में ले लेता है यानी RBC को रक्त ब्लड सेल को तो संक्रमित करता है, साथ में ये WBC और प्लेटलेट सबको यानी तीनों रक्त के तीनों प्रकार को अपने कब्जे में लेने का काम करता है ब्लड कैंसर, ठीक है ना। तो प्लेटलेट को भी अपने कब्जे में उसको बहुत कमजोर कर देता है ब्लड कैंसर, जिसके कारण से कटने के बाद आपका खून बहते रहता बंद नहीं होता, इतना ही खतरनाक होता है, ठीक है। सांस में लेने में दिक्कत, अगर आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से जांच कराएं, खूनों का जांच कराएं, कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं है। लगातार बुखार आना और शरीर पतला होना, अगर शरीर लगातार आपका पतला होते जा रहा है कितना खाना पीना ध्यान देने के बाद भी शरीर पर नहीं रुक रहा पतला होना तो उस कंडीशन में आपको लगना जांच करवा लेना चाहिए कि हो सकता है कहीं आपको कैंसर तो नहीं, ब्लड कैंसर तो नहीं है, तो जांच करवा लेंगे, रक्त जांच कराएंगे आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो लक्षण है, अब बात करते हैं बाबू कि आखिर ब्लड कैंसर के इलाज है या नहीं,
ठीक है ना। सबसे पहली बात समझिए कि बेचारा लड़का और ये लड़की है दोनों साड़ी के रिलेशनशिप कहीं गए हैं मिलने जुलने के लिए। हो सकता है अगर किसी एक में भी ब्लड कैंसर होता ससुर दूसरे को भी पकड़ा देगा। अगर लड़की के अंदर होगा तो लड़का को पकड़ा देगा, लड़का को होता लड़की। देखो संपर्क में आने जाने से किस उस करने से ब्लड कैंसर नहीं, जब तक खूनों का आदान प्रदान नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि सेक्स सबसे बड़ा कारण होता है ब्लड कैंसर का। अब बात करते हैं इसके इलाज क्या। देखो इसका इलाज जो है ना, मतलब इसका घरेलू इलाज नहीं बताऊंगा क्योंकि ब्लड कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होता है। इसका घरेलू तरीका यूज करेंगे तो करते रहेंगे ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर ब्लड कैंसर हुई है तो ब्लड कैंसर को सबसे ज्यादा मात्रा में अगर ठीक करने वाला कोई चीज होता है तो वो मशरूम होता है। मशरूम का पौधा सुनेंगे बारिश के मौसम में अपने आप उग जाता है या उसका खेती भी किया जाता है। मशरूम का सेवन करिए, मशरूम का सब्जी बनाकर उसका यूज करिए, ये बहुत हद तक आपको ब्लड कैंसर से ठीक करने का काम करते हैं। तो मशरूम का सेवन कर सकते हैं। हालांकि इसका इलाज में अगर बात करते हैं तो कीमोथेरेपी जो इलाज होता है उसके माध्यम से आप ब्लड कैंसर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। ब्लड कैंसर मतलब ब्लड को हमेशा चेंज कराते रहे, ब्लड यानी खून आपका सड़ गया तो ब्लड चेंज कराते रहिए, तो इतना सा कांड किसको होगा भैया, कई लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। याद रखिएगा हम लोग को 1-2 लाख कमाने के लिए साला लगता है कि 2-3 साल मेहनत करना पड़ता है गरीब को, याद रखिएगा ठीक है। तो वही कीमोथेरेपी इसका इलाज है। और अगर आपको ब्लड कैंसर का संकेत या कोई भी लक्षण दिख रहा है तो बाबू डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से जांच करें, डॉक्टर से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर लग रहा है कि ब्लड कैंसर है तब डॉक्टर आपको सही चीज बताएगा, घरेलू तरीका यूज नहीं करना। घरेलू तरीका मशरूम का सब्जी यूज करिए, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ठीक कर देगा। तो ये रहा ब्लड कैंसर के कारण, ब्लड कैंसर कैसे होता है, कैसे फैलता है, किन किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके इलाज क्या है। ब्लड कैंसर को मेडिकल भाषा में, मेडिकल लाइन में ल्यूकेमिया भी कही जाती है। तो ये जानकारी रहा आपका ब्लड कैंसर का। मुझे विश्वास है कि ब्लड कैंसर की पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर, यहां से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि केवल आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करने, कॉल नहीं करने है। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज आपको सीखने को मिलाना, तो ईमानदारी से दिल पांत रख इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।